महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। हम तुम पर प्रसन्न हुए मच्छिंद्रनाथ, उठो उठो मच्छिंद्रनाथ, आते खोलो मच्छिंद्रनाथ। प्रभु भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए, साधना समाप्त हो गई, अब जगत के प्राणियों को मुक्ति का उपदेश। कर रहे हैं या मुझे चुनौती दे रहे हैं? बल्कि सम्मति दे रहा हूं। जिस संसार में धर्म और भक्ति का प्रचार करने जा रहे हो, उस संसार में एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें भी भटका सकती है, उससे जरा होशियार रहना। वो कौन सी शक्ति है? वो शक्ति सूर्य का तेज, चंद्रमा की ठंडक, पत्थर की कठोरता, पानी की निर्मलता।
बिजली की चंच की मिठास लेकर बनाई गई, उसे कहते हैं स्त्री। स्त्री मेरा क्या बिगाड़ सकती है? जड़ से उखाड़ सकती है। वो सीधी होने पर दासी, उदार होने पर मां, और टेढ़ी होने पर नागिन बन जाती है। भूल कर भी उसे चुनौती ना देना, वरना पछताना पड़ा। मैं इंद्रिय विजेता हूँ। स्त्री के आगे बड़ों बड़ों की हार हुई है। मुझे अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास है। आशीर्वाद दीजिए हनुमान जी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मच्छिंद्रनाथ। मोह माया में लीन संसारियों को मुक्ति का रास्ता दिखाओ। घर घर में तुम्हारी पूजा हो। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। जय श्री राम। मेरा क्या बिगाड़ सकती है? कल्याणास इच्छा पूर्ण हो, इसके खाने से तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूरा। सब ठीक हो जाएगा मां। ये रात तुम्हें क्या दुख है? रोती क्यों? रोना ही मेरे भाग्य में लिखा है। साफ साफ कहो क्या बात है? मैं बांझिन कहलाती हूँ। मेरी कोई संतान नहीं बाबा। संतान लेना और देना ईश्वर के वश में है माँ। शायद मेरे भाग्य में माँ बनना नहीं लिखा होगा। अच्छा प्रणाम बाबा। क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी बाबा? ये लो सूर्य देव को अर्घ देकर ये भभूत खा लेना। सूर्य जैसा तेजस्वी पुत्र होगा तो 12 वर्ष बाद उस पुत्र को उपदेश देने में आऊंगा। मारता है, कोई जुआ खेलता है तो कोई चोरी करता है। ऐसी संतान से निसंतान ही रहना। आपके दिल में एक निसंतान स्त्री की लालसा होती? लालसा जिंदगी भर खत्म नहीं होती। इधर उधर की चिंता छोड़, भगवत भजन करो, इसी में सारा।
की नहीं पहचाना माई? मैंने कहा था ना 12 वर्ष बाद तेरे पुत्र को। मैं वही मच्छिंद्र हूं। मुझे पुत्र नहीं मिला बाबा। क्यों? मैंने तुझे पुत्रवती होने के लिए बहुत ही दिखा ना। मैंने ही इसके हाथ से गिरा दिया था महाराज। तूने बहुत बड़ा अपराध किया। ईश्वर के लिए इन्हें कुछ न कहिए बाबा। मुझे भाग्य में ही संतान नहीं है। वो बहुत निष्फल जा सकती माई। भागीरथी की वो राख संसार का बेटा है। होते हुए भी जरूरत पड़ने पर उसका त्याग कर देना चाहिए। त्याग? बेटे का? तुम्हारे पास मां का तड़पता हुआ दिल होता तो समझते उसके ममता को। ममता तो मोह है जो जीवन के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन मां का त्याग अमर रहता है। तुम भी त्याग करो मां। अलाख निरंजन आदेश। इसे पकड़ मैं जिंदा नहीं रहूंगी। इसे न ले जाओ पापा। तो क्या तुम ये नहीं चाहती
कि इस बालक की घर घर पूजा हो? तुम क्या ये नहीं चाहती कि संसार में इसकी कीर्ति झगमगाए? तुम क्या ये नहीं चाहती कि यह प्रकाश बनकर मोह माया के अंधेरे में भटकते हुए प्राणियों को मुक्ति का रास्ता दिखाए? क्या तुम ये नहीं चाहती? नहीं चाहती, क्यों नहीं चाहूंगी? आखिर मैं उसकी माँ हूँ। मछेरनाथ, आज तुम मुझसे त्याग करा रहे हो। कभी तुम पर ऐसी घड़ी आई तो समझोगे माँ का त्याग कितना महंगा होता है। धन्य हो माता, अपने पुत्र गौरव को आशीर्वाद दो। रुक क्यों गए गुरुदेव? गुरुदेव वो दे ये वो धरती है कि जहाँ, ये वो धरती है कि जहाँ भगवान मिले इंसान से। दुनिया वालों सुनो कहानी चार धाम की ध्यान से। ये मंदिर है जगन्नाथ का, देता है पूजा का फल। करी तपस्या इंद्रद्युम्न ने, तब से सूख गया जंगल। तब से कांटे फूल बने, फिर जंगल में छाया मंगल। प्रकट हो गए कृष्ण कन्हैया, प्रकट हो गए कृष्ण कन्हैया। राजा का उद्धार किया, इस धरती का दुख हरने को राजा को आधार दिया। कहा तुम्हारी पूजा से मैं इस धरती पर आया हूँ, भक्तों की रक्षा करने का वचन साथ में लाया हूँ। कहा कृष्ण ने सागर में तरता है लकड़ी का टुकड़ा, उस टुकड़े को लाओ उसमें छिपा हुआ मेरा मुखड़ा। राजा गया भाग लहरे, उठा लिया तरता टुकड़ा। सोचा अब ये दूर करेगा जन्म मरण का सब दुखड़ा। पूजा करी साथ रानी के, टुकड़े को सम्मान दिया। तभी विश्वकर्मा ने आकर भक्तों का कल्याण किया। राजा रानी ने उठ करके किया विश्वकर्मा वंदन, खेल उठा उनके मुखड़े पर जीवन का शुभ अभिनंदन। राजा रानी ने टुकड़े को दिया विश्वकर्मा के हाथ, लेकर पहुंचे मूर्ति रचाने नर को नाच नचाते नाथ। रचने मूर्ति नाथ की भक्त वहां पर ध्यान से। कहा 30 दिन के पीछे तुम दीप जलाना मान से। इधर विश्वकर्मा रचना की सुंदर कला दिखाते थे। छाट बलभद्र सुभद्रा मोहन मूर्ति बनाते थे। उधर महारानी के नैना दर्शन को बुलाते थे। छोड़ दिया रानी ने धीरज, बीता नहीं महीना था। हुई अंगूठी पूरी लेकिन जड़ना अभी नगीना था। रानी ने धीरज को तज कर खोल दिया मंदिर का द्वार। रही अधूरी मूर्ति छोड़ कर गए विश्वकर्मा संसार। रही काठ की मूर्ति अधूरी रानी के अज्ञान से। त्रिभुवन का कल्याण हुआ श्री जगन्नाथ मुस्कान से। ये वो धरती है कि जहाँ भगवान मिले इंसान से। दुनिया वालों सुनो कहानी चार धाम की ध्यान से। रामेश्वर का धाम यहाँ, रामेश्वर का धाम यहाँ। लंका पति लंका से आया तीन वेप
रूप बनाया, प्रतिष्ठान का साज सजाया, लंकापति रावण को आकर, लंकापति रावण को आकर, प्रभु ने किया प्रणाम यहाँ, रामेश्वर का धाम यहाँ। रचे रेत से ही शिव शंकर, देख रहे सब भालू बंदर, पूजा शिव को ध्यान लगाकर, मन ही मन मुस्काए रघुवर। रेत उड़ा आकाश पंथ तक, बना अभय का धाम यहाँ, किया राम लक्ष्मण सब दल ने, शिव को सभी प्रणाम यहाँ, रामेश्वर का धाम यहाँ। के वरदान थे ये, रामेश्वर धाम भगत जन भक्ति करते ध्यान से। दुनिया वालों सुनो कहानी, चार धाम की ध्यान से हो। मथुरा पर करता बारंबार चढ़ाई था, लेकिन विजय नहीं पाता रखवाला कृष्ण कन्हाई था। जरासंध ने हाथ मिलाया काल यवन शैतान से, छोड़ गए रण छोड़ कन्हाई तब रण के मैदान से। आगे आगे कृष्ण चंद्र थे, पीछे वो शैतान था, घुसे गुफा में शाम जहां सोया मुचकुंद महान था। अपनी चादर उड़ा संत को हरि ने खेल संवारा था। काल यवन ने कृष्ण समझकर जोगी को ललकारा था। ऋषि नैनों से ज्वाला निकली जो बिजली तूफान से, भस्म हो गया नीच नीति को, विजय मिली बलवान से। परशुराम को देख वहां पर शांति मिली घनश्याम को, परशुराम ने कहा मांग लो धरती सागर राज से, नई नगरिया नाम द्वारिका यहाँ बसाओ आज से। धरती के स्वामी ने धरती मांगी एक मुस्कान से, लहरें कांपी धरती निकली सागर के दरमियान से। कभी विश्वकर्मा ने आकर मोहन का आदेश लिया, सागर की गोदी में उसने नया नगर निर्माण किया। बसी द्वारिकापुरी प्रभु की मनमोहक मुस्कान से। दुनिया वालों सुनो कहानी, चार धाम की ध्यान से, यही है बद्री धाम सुखदाई, यही है बद्री धाम सुखदाई। भक्त करुण ने करी तपस्या, सुध तन की बिसराई, सुध तन की बिसराई। करने को कल्याण भक्त का प्रभु ने झलक दिखाई, प्रभु ने झलक दिखाई। कहा गरुड़ ने पग धोने को, प्रभु ला दो गंगा माई, गंगा की धारा का दर्शन विष्णु कृपा से पाया। प्रभु के पग धोने को जल को अंजलि में भर लाया। भक्त गरुड़ ने भक्ति भाव की जगमग ज्योति जगाई,
त्रिधाम सुखदाई। दुनिया वालों सुनो कहानी चार धाम की ध्यान से। गुरुदेव आप चारों धाम को समझाए किंतु ये नहीं बताया कि भगवान को हर एक जगह अलग अलग रूप में क्यों दिखाया जाता है। सब ने अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान का रूप बनाया है। किंतु आपने तो कहा है भगवान नहीं दिखाई देने वाला अलख निरंजन है। हाँ गौरव, वो अलख निरंजन है। तब फिर मूर्तियों की पूजा क्यों होती है? मंदिरों में मूर्ति की नहीं श्रद्धा की पूजा होती है गौरव। मनुष्य अपनी श्रद्धा से इन मूर्तियों में निराकार का ज्ञान प्राप्त करता है। इन विचारों और पंथों के रहते हुए आपने नाथ पंथ को स्थापित क्यों किया? गोरख, मन स्वभाव से पुरानी चीजों को भूलकर नई चीजों की तरफ आकर्षित होता है, इसीलिए मैंने भी नाथ पंथ को स्थापित किया है। लेकिन हर पंथ का लक्ष्य एक ही है। कैसे गुरुदेव? जैसे वर्षा की बूंदे नाले में, नाले से नदी और नदी जाकर महासागर से मिलती, वैसे ही हर पन हर धर्म के लोग अलग निरंजन से जाम हो। याद रखो गोरख, हर बूंद का संबंध महासागर से होता है। मैं समझ मेरा समाधान हो गया गुरुदेव। अच्छा चलो। गुरु मच्छिंद्रनाथ किसी आश्रम में आकर पुरानी सारी बातों को भूल बैठा, लेकिन आप इस ज्वाला को देखकर मुझे उस ज्वाला की याद आती है जब आपके गांव में आग लगी थी। गांव में नहीं पागल, गांव की नदी में आग लगी। नदी में? हाँ, पानी खल 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 खा रुका था। तब तो सारी मछलियां मर गई होगी। मर गई होगी मछलियां? क्या तेरी मेरी तरह बुद्धू होती? बड़ी चलाक होती। मछलियों ने देखा आग लगी तो एक एक पेड़ों पे चढ़ बैठे। क्यों झूठ बोलते हो वैद्यनाथ जी? मछलियां गाय भैंस थोड़ी जो पेड़ों पे चढ़ जाएंगी। अभी गाय भैंसे भी कहां चढ़ रही थी, वो तो उस वक्त मैं था जो एक एक को उठा के, एक को उठा के यूं, दूसरी को उठा के यूं और तीसरी को यूं उठा के यूं फेंक। बड़े बहादुर हो। इसमें भी क्या कुछ शक? कौन है साहब? वो साहब जल्दी बताओ कहाँ है मच्छिंद्रनाथ? क्या काम है? मैं उसका खून पीऊंगा। खून के शरबत समझ रखा है? क्या कहा? आई आपको और कोई नहीं मिला जो मेरे गुरुजी का खून पीने आए हो? बसो मत, जल्दी बताओ नहीं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। मेरी गर्दन आप क्यों उड़ाएंगे? आपका तो खून पीना है ना, ठंडा ठंडा खून पीना। गुरुजी का पीना है, गुरुजी तो अंदर है। अच्छा तो तू लड़ने आया था मुझसे? लड़ना साधुओं का काम नहीं, अत्याचार देखकर चुप रहना साधुओं का धर्म नहीं। चले जाओ यहाँ से। बड़ा आया Thank you.
कक्षा में सफल रहे गोरख। मैं समझा नहीं गुरुदेव। मैंने शिष्यों की परीक्षा के लिए वैताल को प्रकट किया था गुरुदेव। आओ गोरख। गोरख अब तुम जाओ और 12 बरस तक तपस्या करो, उसके बाद मैं फिर यहीं मिलूंगा। जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन ध्यान रहे, तब के रास्ते में बड़े बड़े विघ्न आएंगे। विघ्न? रास्ते में सबसे बड़ा विघ्न क्या है? वासना। वासना? वासना का रूप क्या है? स्त्री। स्त्री का रूप क्या है? प्रचंड ज्वाला। हूं तिलोत्तमा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इच्छा पूरी कीजिए प्रभु। तेरी क्या इच्छा है? एक स्त्री की क्या इच्छा हो सकती है? कोई पति चाहती है, कोई पुत्र चाहती है और कोई धन। वो क्या चाहती है? पति। पति? पति मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन मैं मन चाह पति चाहती हूँ। तेरी लगन अगर सच्ची है तो मन चाह पति ही तुझे मिलेगा। लेकिन कब? संयोग आने पर। तेरी इच्छा पूरी करने के लिए कोई ना कोई पुरुष जरूर आएगा। पुरुष? पुरुष की क्या हस्ती हमारे सामने? वो हमारे राज में प्रवेश भी नहीं कर सकता। क्यों? हम पुरुषों से नफरत करती हैं। आखिर एक स्त्री का पति पुरुष के सिवा और कौन हो सकता है? देवता। तो जिस देवता को चाहती है उसकी पूजा कर। मेरे देवता मेरे सामने खड़े हैं। तिलोत्तमा! नाराज न होइए प्रभु, मन चाह पति पाने का आप ही ने मुझे वरदान दिया है। मेरी लगन सच्ची है, मुझे पति मिलना ही चाहिए, वरना आपका वरदान झूठा होगा। मेरा वरदान कभी झूठा नहीं होगा। तो फिर मुझे अपनी दासी बना लीजिए। तू मेरी दासी कैसे बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? तू देवता को पति बनाना चाहती है और मैं देवता नहीं। तो फिर कौन है आप? देवताओं का दास। देवता और पुरुष दोनों से अलग। विश्वास नहीं तो देखिए पूछ। लेकिन मेरी साधना अवश्य पूरी होगी। तुझे पति मिलेगा जो पुरुष होकर भी देवता होगा। जय श्री राम।
नाथ। गुरुदेव वायु गोला, पेट में वायु गोला गुरुदेव। मैंने कहा था ना साधु को पेट भर भोजन न करना चाहिए। क्या बताऊं गुरुदेव, जब से साधु बनाओ भूख भी बढ़ गई, ऊपर से मुफ्त में माल पानी मिलता है, इसलिए अनाप शनाप खा लेता हूँ। बाप रे बाप, प्राण वायु और अपान वायु का गृह युद्ध चल रहा है। आज आज बाहर का उपवास करना। उपवास गुरुदेव? पकड़ लो इसे, भागने न पाए। कौन है तू? आदमी दिखाई नहीं देता? हाँ। ये तो हम भी जानते हैं। तो फिर पूछती क्यों? जानते हुए भी तवा गन मालूम होता है। ले चलो उसे महारानी के पास, अपने आप ठंडा हो जाएगा। महारानी? कौन महारानी? जब सूली पर चढ़ाए जाओगे खुद ब खुद पता चल जाएगा। सूली पे चढ़ाए जाऊंगा? मेरा कोई अपराध? ये सरहद में पुरुष नहीं आ सकता, ये स्त्रियाराज है और तुम पुरुष हो। कौन कहता है मैं पुरुष हूँ? तो फिर कौन हो? मैं महापुरुष। पकड़ लो इसे। खबरदार खबरदार, छुआ तो चला के खत्म कर दूंगा। तू बिजली, क्या हुआ? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। न जाने मेरे शरीर में कैसा परिवर्तन हो रहा है। ओ, संगीत के सातों स्वर एक ही साथ में बज रहे हैं। सारे गमा पा देनी सारे गमा पा देने। गुरुदेव गुरुदेव रक्षा करो, तुम्हारा शिष्य योग भ्रष्ट किया जा रहा है। गुरुदेव मैं कौन? गुरुदेव गुरुदेव, अरे देखोगी तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा, देखते ही पानी पानी हो जाओगी। ओह, तो दूसरा शिकार भी आया हुआ है, चलो तो उसकी खबर ले। पकड़ लो इसे। गुरुदेव ये लोग पकड़ने आएगी, इन्हें पकड़ लो। अरे पकड़ो, पकड़ लो पकड़ लो, जाओ। वो देखो, पकड़ो इस मायावी को। गुरुदेव माया से परे है, उन्हें कौन पकड़ सकता है। वो देखो वहां, वो देखो। उधर भी देखो। देखी मेरे गुरुदेव की लीला, पल में तोला पल में माशा। धन्य गुरुदेव। भाग गई। गुरुदेव गुरुदेव, अब आप अपने असली स्वरूप में आइए। गुरुदेव जय हो गुरुदेव की जय। साल सोल वाला लड़क पन भागा
चुनरिया भर भर उड़ती जाए रे, चुनरिया भर भर उड़ती जाए रे। वाह गुरुदेव वाह, अब इन्हें भी कुछ अपना चमत्कार दिखाइए। सैनिक सुंदरिया, देखा हमारे गुरुजी का चमत्कार? अरे क्षमा मांगो क्षमा मांगो, वरना जीवन भर यूं ही लटकती रह जाऊंगी। महाराज हमें नीचे उतारिए, भूल हो गई, क्या करें, हमारी महारानी बड़ी कठोर है। यूं तो हमारे गुरुदेव भी कुछ कम नहीं,
लेकिन तुम्हारे लिए मुझे कुछ दया आती है। गुरुदेव इन्हें क्षमा कर दीजिए ना। आप धन्य हैं, आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो महारानी हमारी हत्या कर डालेगी। अरे तब तो बड़ा पाप होगा गुरुदेव, परोपकार ही तो हमारा जीवन है। इनके साथ चलने से एक पंथ दो काज होंगे, इनके प्राणों की रक्षा होगी और हमें महारानी के दर्शन। चलिए गुरुदेव चलिए। बंदियों को उपस्थित किया जाए। सारा संसार ही जानता है कि पुरुष चाहे किसी भी देश में हो, हमारे प्रयागराज में उसका कदम रखना अपराध है। इस घृणा का कारण हम पुरुषों को अपना दुश्मन समझते हैं। हम तो स्त्री को पुरुष का साथी समझते हैं। इसी कपट भाषा के जरिए पुरुष स्त्री को फुसलाकर उसका सब कुछ लूट लेता है और उसे जीवन भर दासी बनाए रखता है। एक मलमूत्र धोने से सेविका नहीं बन जाती, स्त्री अपने पति के चरण धोने से दासी नहीं बन जाती। त्याग नारी का जीवन और सेवा ही उसका गुण है। तो फिर पुरुष का क्या गुण है? सृष्टि के निर्माण में स्त्री की मदद करना। पुरुष क्या स्त्री की मदद कर सकता है जबकि पुरुष का निर्माण ही स्त्री ने किया है? तो फिर स्त्री ने अपने से बिल्कुल अलग रूप में पुरुष का निर्माण क्यों किया? विकार, कठोरता, छल, स्वार्थ और लालच को अपने आप से अलग करके स्त्री ने उसे घृणा का एक जीवित रूप पुरुष बनाया। उसके बाद स्त्री में रह गया सिर्फ आकर्षण, जिसे उसने सुंदरता से सजाया। सुंदरता बेपर्दा थी, तब नारी ने लज्जा का सहारा लिया। लज्जा निरस थी, इसलिए उसने मस्ती का रस चितवन में भरकर चारों ओर दिया। मस्ती का बोझ उठाने वाला कोई नहीं था, तब वही स्त्री पुरुष के चरणों में झुक गई। चुप रहो। आज की पुरुष स्त्री पर वासना की मूर्ति होने का इल्जाम लगाया है। सेनापति इसकी गर्दन उड़ा दो। अपनी जादूगरी। ये लोग भी याद करेंगे किसी गुरु पड़ा था। बड़ी जादू कर दी मालूम होती, अब क्या होगा? तुमने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है, अपनी इस भूल के लिए तुम्हें क्षमा मांगनी होगी। मांग लो गुरुदेव। नहीं तो फिर जीवन भर इसी में पड़ेगा। गुरुदेव अब कोई चमत्कार दिखाइए, नहीं तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जादू पर बड़ा घमंड था ना, अगर अब भी अपनी हार मानते हो तो इससे मुक्त किए जाओगे। निरंजन Thank you.
हलाक निरंजन। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मेरी शक्ति को परास्त करने वाले आप कौन हैं? भला ये भी कोई पूछने की बात है? जगत में गुरु मच्छिंद्रनाथ और चेला बेंगनाथ का नाम कौन नहीं जानता? आप कुछ दिनों के लिए हमारे अतिथिशाला की शोभा बढ़ाएं। लेकिन दूसरे राज्य में तो पुरुषों का प्रवेश ही अपराध है। परंतु आपसे स्त्री और पुरुष दोनों गुरु जी इनकी प्रार्थना स्वीकार करें। आपके लिए जैसा जंगल वैसा महल। हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करते हैं। महाराज अब रसोई कुछ नहीं मछलियों के लिए क्या पता? मुझे अन्न की नहीं तो मन की भिक्षा चाहिए। मैं आपका कुछ मतलब नहीं समझी। प्रेम की झोली में रूप की भिक्षा चाहिए। जानते नहीं यहाँ ऐसी बातें करना अपराध है। जान से मारे जाओगे। देवी मरे हुए को और कोई क्या मारेगा? मैं तो पहले ही तुम्हारे नैन बानों का शार बना हूँ। शिकार हो सकता है, हो सकता है। मैंने भी जब से तुम्हें देखा है ना जाने क्यों मेरे दिल में कुछ कुछ रुक चुक गई। बताऊ जब भी सांस लेती हूँ कर्म हलवे की तरह भाग निकलती। तो यूँ कहो कि दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है तो फिर हो जाए। क्या हो जाए? हस्त तो मिला परंतु प्रिय आदमी कुछ कुछ ना चाहते। लेकिन देवी हमारे पुरुष राज में स्त्री को छूना बड़ा पुण्य। लेकिन ब्याह के बाद भला महारानी मरवाना डालेंगे? अरे ब्याह के लिए ढोल जरूरत है। क्या? मेरा मतलब है गांधर्व विवाह। एक योगी के लिए सेज और दोनों समान है। लेकिन आप योगी नहीं मेहमान हैं और इस संसार का निमंत्रण स्वीकार किया है। मैंने तो प्रेम का निमंत्रण स्वीकार किया है। प्रेम में इनकार नहीं होता। प्रेम मन के वश में न रहे तो वासना की गंदगी में डूब जाता है। आपको अपने मन पर भरोसा नहीं है? तो फिर जाइए, हो जाइए स्टेज पर। ये क्या कर रही हो महाराज? सेवा। आप ही ने तो उपदेश दिया था सेवा करने का धर्म। लेकिन मैं तुम्हें अपना शरीर न छूने दूंगा। क्यों?
शरीर का मन से संबंध है और मन बड़ा चंचल होता है। लेकिन आप तो इंद्रिय विजेता है, क्या मेरी परीक्षा लेना चाहती हो? नहीं, अपने आप को आपकी सेवा में सौंप देना चाहती हूं। जैसी तुम्हारी इच्छा। हाथों को लकवा मार गया है, जोर जोर से दबाओ ना। हाथों को नहीं, किस्मत को लकवा मार गया है। क्या बोले? कुछ नहीं, अपनी किस्मत की तारीफ कर रहा हूँ। भगवान तुम्हारे जैसी धर्म पत्नी किसी दुश्मन को भी। क्या कहा? सबको दे, सबको दे, सबको सो जाओ, सो जाओ। घर घर में तुम्हारे जैसी पत्नी है, मेरे जैसे पति। शादी से पहले तो मैं तुमसे एक बात पूछना ही भूल गई। क्या? तुमको मिर्गी आती है क्या? मिर्गी नहीं सुंदरी, मुझे जरा चपकी आ गई थी। चपकी आ गई थी? अजी ये तो अच्छा हुआ जो मेरे साथ से तुम्हारा सर टकराया, कहीं मेरी आंखों में तुम्हारी उंगलियां घुसी होती तो। क्या थोड़ा सा गर्म पानी निकलने के बाद आंखों में तरा बता। और पानी की रोशनी निकल जाती तो? रोशनी तब तो और अच्छा होता। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैंने सोचा था कि गोभी के फूल की तरह गोल गोल शक्ल है तो दिल भी फूल जैसा सुंदर और भला होता। लेकिन लेकिन क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, सो जाओ। मैं तो सो जाऊं पर तुम कहां चले? मेरी किस्मत ये अनुराग देखकर मैं बहुत खुश हूं। आपने परिवर्तन देखकर? क्यों ना होगी, तुम्हारे विचार सुंदर है, तुम्हारा वर्तन सुंदर, तन सुंदर है, मन सुंदर है, तुम सुंदर हो। क्या कहा? सुंदर? क्या मैं सुंदर हूं? हाँ, बहुत सुंदर। सच? मालूम होता है तुमने दर्पण कभी नहीं देखा है। दर्पण तो निर्जीव होता है, वो प्रशंसा नहीं करता। लेकिन आप इस तरह क्या देख रहे हैं? तुम्हारी मेरी आंखें कैसी है? मेरी आंखें मीठे जहर के प्याले की तरह, जिसे पीने वाला तड़पता है मरता नहीं। मेरी भावे कैसी है? तलवार की तरह, ये वार कर देती लेकिन घाव दिखाई नहीं देता। मेरी लगी कैसी है? नागिन की तरह, ये दस्ती नहीं उलझा लेती है। मेरे मन का चांद आया रे, आया
आंखें खोलो गोरखनाथ, आंखें खोलो गोरखनाथ, आंखें खोलो। भगवान दत्तात्रेय, कोटि कोटि प्रणाम अंतर्यामी। गोरखनाथ, तुम्हारी साधना सफल हुई, पर याद रहे अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जाओ, अब प्राणियों का उद्धार कर
जो आप आलाक निरंजन नाम कैसे जानते हैं? बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप? मेरे तो कोई मां बाप नहीं। बिना मां बाप के भी कोई पैदा होता है? क्यों, सीता जी धरती से पैदा नहीं हुई थी? वो तो हुई थी। फिर क्यों भभूति लगाकर झूठ बोलते हो? अरे भाई, बाप नहीं तो मामा ही समझ लो। हाँ, मां नहीं तो मामा कैसे समझ लूं? मामा ना समझो तो ना सही। वैसे मैं तुम्हारा गुरु। गुरु? अरे ऊपर नीचे क्या देख रहा है? आपका ये शरीर इतना लंबा चौड़ा कैसे हो गया? 12 वर्ष के बाद कायाकल्प हो जाता है ना, ये उसी का असर है। दाढ़ी मूंछ झड़ गई, ये भी शायद कायाकल्प का ही असर है। अरे नहीं भाई, मेरे शरीर के साथ साथ दाढ़ी मूंछ भी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि एक दिन नींद में बकरी उसे घास समझकर चर गई। तब तो आप कुंभकर्ण के अवतार जान पड़ते हैं। गुरु की हंसी उड़ाता है मूर्ख। सच सच बताओ तुम कौन हो, नहीं तो अभी जलाकर राख कर दूंगा। तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना भरोसा है तो जलाकर देख लो। अच्छा तो ये लो। अब तो मानते हो गुरु? नहीं, अपने असली रूप में आओ। आलख निरंजन जय श्री राम। भला आपको इस सेवक के लिए इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा? मैं नहीं चाहता गोरख कि तुम्हारे गुरु की तरह तुम्हारा भी पतन हो। पतन? गुरुदेव का? हाँ, संसारियों को मुक्ति का उपदेश देने वाले मच्छेंद्रनाथ कर्तव्य के रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें सही रास्ते पर लाऊंगा। नाहक मुसीबतों को गले मत लगाओ गोरख। माता जानकी का पता लगाने के लिए आपने भी तो मुसीबतों को गले लगाया था। मैं भी अपने गुरुदेव के लिए अपनी जान पर खेल जाऊंगा। बताइए बताइए कहाँ है मेरे गुरुदेव, बताइए ना। कामरूप देश में, वहाँ की रानी तिलोत्मा के साथ भोग विलास में लीन हो गए हैं। क्या? अब तो उन्हें एक लड़का भी हो गया है। लड़का? शाबाश बेटा मेरा, शाबाश। तू माँ बाप का नाम जरूर उज्जवल करेगा। पिताजी, मैं माँ का नाम नहीं उज्जवल करूँगा। क्यों? पांव शरीर करूँगा। तिलोत्तमा, देखा आपने बेटे का निशाना?
ऐसे तो आपका भी निशाना कुछ कम नहीं है। लेकिन मेरे निशाने में वो बात नहीं जो तुम्हारे निशाने में है। एक ही बार में जिंदगी बदल दी है। आपने भी कुछ ऐसा ही किया है। अपने पति के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? ये चूहा इसी काबिल है महाराज, लेकिन आज मैं इसकी गर्दन मरोड़ कर रही हूँ। महाराज मौसी, नहीं नहीं, लौट के मौसी से बचाइए। ठिका है देखना, मर्दों पर अरेस्ट करते हो। डरता कौन है? नवरत्ना भलाई चाहती है तो यहाँ से चंपत हो जा, वरना एक घाव और दो। ये बात है तो दिखाओ अपने करम। आखिर झगड़ा किस बात का है बैद्यनाथ? नौ बच्चों का बाप हो गया है महाराज, पर अकल जरा नहीं आई। जब देखो बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलता रहता है और चूल्हे चक्की का तो जरा ध्यान नहीं। अरे अरे, पति से चूल्हा चक्की कराती हो? इसी शर्त पर तो हमारा ब्याह हुआ था। फिर तो बैद्यनाथ तुम्हें शर्त का पालन करना ही चाहिए। यही तो मेरा रोना है महाराज, मैं कहूँ आम तो ये कहेगा इमली, और मैंने कहा कि पकाओ हलवा तो इसने बना दी खिचड़ी, वो भी पतली। खिचड़ी और वो भी पतली? तुमने सचमुच बड़ी भूल की है बैद्यनाथ। ब्याह करके ही भूल की है महारानी, इसीलिए तो चूल्हा चक्की करता हूँ, बच्चों को नहलाता हूँ, दूध पिलाता हूँ। अब गर्दन भले ही कट जाए लेकिन इसके हाथी जैसे पैर नहीं दबाऊंगा। प्रश्न टेढ़ा है, महारानी तुम ही न्याय करो। देखो बैद्यनाथ, पति पत्नी का संबंध धूप छांव की तरह होता है, यूं तो सेवा करना स्त्री का धर्म है, लेकिन जरूरत पड़ने पर पुरुष को भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। बाबा बाबा बाबा, क्या न्याय किया है महारानी ने, न रही तेरी न मेरी, बबूल के पेड़ पे बोली चकोरी। सुन लिया मेरे बच्चों की माँ? हाँ मेरे बच्चों के बाप। अब घर चलो ना। Thank you.
प्रणाम। ठहरिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, आप बड़े अच्छे हैं। बस यही कहना था। जरा जरा सुनिएगा। और क्या पूछना चाहती हो? आप कौन है? साधु। मैं एक नर्तक जिसकी रक्षा आपने अपनी जान खतरे में डालकर की है। अब कोई डर नहीं है, जाओ अपने रास्ते। लेकिन कैसे जाऊं? रथ से। लेकिन रथ फांकेगा कौन? हमारी साथी तो मर गई। दुख है, आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम आपकी मदद ले नहीं सकते। क्यों? हम एक ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ पुरुष का जाना मना है। आखिर कौन सा देश है वो? कामरूप। कामरूप? उस देश की महारानी तिलोत्तमा का हुक्म ऐसा है। तिलोत्तमा? कामरूप? देवी कहिए तो मैं आपके रथ का साथी बन जाऊं। मैं तो यही चाहती हूँ, लेकिन आप तो पुरुष हैं। आप चिंता ना करें, मैं सब ठीक कर लूंगा। आइए। तेरे राहों में खड़े हैं, ओ हो।
गुरुदेव 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 क्योंकि आपके राज्य में पुरुष का आना मना है। लेकिन ये नियम दूसरों के लिए है और तुम तो अपने हो। सेनापति, इन्हें रहने के लिए अच्छे से अच्छा इंतजाम करो। मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जानती हूँ तुम अपने गुरु के दर्शन करने आए हो और उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए भी आया हूँ। लेकिन अब उन्हें ले जाकर क्या करोगे? तुम्हारे गुरु ने तो आज से 12 वर्ष पहले संन्यास छोड़ दिया। या उनसे संन्यास छुड़वा दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आपके माया बंधन से छूटते ही वो फिर से सन्यासी बन जाएंगे। ये तुम्हारा भ्रम है। जो सत्य होकर रहेगा, मैं अपने गुरु को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। गोरख, तुम भी यहीं रह जाओ। गोरख, जंगल में जानवरों के सिवा दूसरा है ही क्या? हमारा वो निराला संसार जहाँ हम गुरुदेव के चरणों में बैठकर जगत कल्याण का पाठ पढ़ा करते थे। गुरुदेव वहाँ भी पाठ पढ़ाते थे, यहाँ भी पाठ पढ़ाते हैं। कितना ही अच्छा हो कि तुम भी किसी सुंदरी से ब्याह करके गुरुदेव के चरणों में बैठ जाओ। मुझे आप लोगों की सम्मति नहीं चाहिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन एक बात कह देता हूँ, गुरुदेव यहाँ से जाने नहीं पाए। मैं उन्हें जरूर ले जाऊंगा। उसके लिए तुम्हें जान गंवानी पड़ेगी। इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है कि गुरुदेव के काम मेरी जान आ सके। ओह, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने बड़े गुरु का। गोरख, महारानी तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। रहने और जाने की बातें तो फिर होंगी, अभी जरा विश्राम करो। सेनापति, आज्ञा। इन्हें ले जाओ और अच्छी तरह इनका स्वागत करो। जय गुरुदेव। महारानी, गोरख को कहीं तुमने? आपका शिष्य था इसलिए जिंदा रखा है। अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। क्या आपको अभी भी गोरख से हमदर्दी है? हाँ, गोरख से हमदर्दी मुझे अवश्य, लेकिन उसके संन्यास से मुझे नफरत हो गई है। क्यों? आदमी सन्यासी बनकर इच्छाओं का दमन करता है और ये दमन एक तरह की हिंसा है। लेकिन इच्छाओं के वश में होकर भी आदमी कभी कभी हिंसा करता है। हाँ, करता है। तो आपकी नजरों में श्रेष्ठ कौन, योगी या गृहस्थ? गृहस्थ। गृहस्थ वो कैसे? योगी संसार में होकर भी संसार को झूठ मानता है, ग्रह संसार को सत्य मानकर जीवन के कठोर नियमों का पालन करता है। योगी गुफाओं में घूलने वाला कायर है, ग्रह अंगारों पर चलने वाला कर्मवीर है। ओ, तो हम कर्मवीर हैं। हाँ, हमारा जीवन सच्चा जीवन है। लेकिन स्वामी, इस जीवन से आपको कभी नफरत तो नहीं होगी? मैं तो तुम्हें अपना जीवन
तन मन सब कुछ सौंप चुका हूं। कलिंगा तुम जी। मुझे छुड़ाने के लिए तुमने इतना बड़ा साहस किया। आपकी कुछ सेवा कर सकूं इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। तुम्हारे इस एहसान को मैं कभी नहीं भूल सकता। और मुझे एहसान करने वाले को कोई भूल सकता है। तुम्हें शायद पता नहीं कि आज तुम मेरे कितने करीब आ गई हो। आओ देवनाथ। महारानी आज से तुम सेनापति बनाए जाते हो। है मैं सेनापति तो बस समझ लीजिए इस देश का भाग्य जाग गया। सैनिकों नर सेनापति देवनाथ की आज्ञा कैसे घसीट कर बाहर ले जाओ। निर्दोष मेरा भी यही ख्याल है महारानी। क्या कहा? मतलब ये है महारानी भूल तो सबसे होती है। मेरी राय है आप उसे एक बार माफ कर। अगर उसने दोबारा गलती की तो मैं संभाल लूंगा। तो पता लगा कहाँ छिपा है गोरख। हम दूल्हे उस दुल्हन के छन 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 चिमटा छन के हम दूल्हे उस दुल्हन के लहराती है हर सांस में जो अलख निरंजन बन के छन 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 चिमटा छन के भरे हैं चंदा सी निर्मल काया में काले दाग भरे हैं रे काले दाग भरे हैं जहरीले तेरे प्याले
हम अमृत पीने वाले बिखरेंगे एक दिन धूल में, मुस्काते फूल चमन के छन 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 चिमटा छन के। फैल रही खुशबू है आशल भी नई बहार का, लहराए बिलावल जन जन पाया जन के। हम दोनों मिट जाएंगे लुट जाएंगी बारातें, हम दोनों मिट जाएंगे लुट जाएंगी बारातें, दीवाना हो तो समझे दीवानेपन की बातें, दीवानेपन की बातें। ना मैं हूँ और ना तू है, माया का सब जादू है, झूठे बंधन संसार के तू तोड़ दे जोगन बन के, छन 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 चिमटा छन के। हम दूल्हे उस दुल्हन के, लहराती है हर सांस में जो अलग निरंजन बन के, छन 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 चिमटा छन के। कुछ समझ में नहीं आता तो रह रहकर कलेजा थिरकने लगता है, रग रग में सनसनी सी जाग उठती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कलिंगा। सच? हाँ। तो आइए ना, आसमान की प्रेम पानी में आंख में चोली खेल रहे थे और हम किनारे पर ही खड़े हैं, तो फिर आइए ना। मुझे तैरना नहीं आता। मैं सिखा दूंगी। अभी हम दोनों डूब गए तो आपके साथ डूबने में मुझे खुशी होगी। तुम्हारी इन्हीं खूबियों ने तो मेरा मन लुभा लिया है कलिंगा। आपने भी तो कुछ ऐसा ही जादू किया है। सच कहती हो? हाँ मूर्ख, तुम्हारी खुशी पर अपनी उमंगों का खजाना लुटा देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ गौरव। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ कलिंगा। तुम भी मुझे चाहते हो? हाँ कलिंगा, हमारा संबंध अब हृदय और धड़कन की तरह, आंख और पलक की तरह अटूट है। कहीं बदल तो नहीं जाओगे गोरख? नहीं कलिंगा, मैं वचन देता हूँ, मैं प्रलय काल तक नहीं बदलूंगा मेरी बहन। बहन? गोरख! इसे भगा ले जाने का प्रयत्न किया। साधु, राज की सीमा में पुरुषों का प्रवेश अपराध माना जाता है। तो आप क्या पुरुष के औरत हैं? असभ्य, तू अपने आप को महाराज की बराबरी का समझता है? क्यों न समझूं? क्या मैं उनकी तरह आदमी नहीं? तुम मेरी तरह आदमी हो लेकिन पाप। कौन सा पाप किया है मैंने? तुम एक लड़की को जबरदस्ती भगा ले जाना चाहते थे और मैं उससे ब्याह करने वाला था। साधु होकर आपके पति भी तो साधु थे लेकिन भक्ति भजन भूल कर रूप के माया जाल में ऐसे हुए कि अब मुझसे नाच आपके इशारे पर नाचने वाली वासना की पुतली बनकर जी रहे हैं। धिक्कार ऐसे पागल कहीं का। गोरख, गोरख, गुरुदेव, गोरख ये गोरख, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा पाप को बताने के लिए कि आप क्या थे और क्या बन गए? अब मैं ग्रस्त बन गया हूँ गोरख। लेकिन आपका जन्म अपने लिए नहीं जगत कल्याण के लिए हुआ। चलिए गुरुदेव, लोगों को चलकर मुक्ति का मार्ग दिखलाइए, संसार को फिर से वही गुरु मंत्र दीजिए। आलाख निरंजन आदेश। स्वामी, कहाँ जा रहे हैं आप?
मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं आपको यहाँ से नहीं। फिर वही उजाड़, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। आलख निरंजन, आजे स्वामी, आलख निरंजन, आजे पिताजी। बेटा बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। क्या हुआ मेरी लाल को? तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा बेटा, कभी नहीं जाऊंगा। बेटा पकड़ लो इसे, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल। ठहरो, खोरक को अच्छी से शाला में रखो। आपने उस बार जो मेरा स्वागत कराया था वो मुझे अभी तक याद है। तुम उस पर विश्वास करो खोरक, मैंने सेनापति को उसी पुल के लिए निकाल दिया था। हाँ, निकाले हुए सेनापति की जगह नया नर सेनापति बैंगनाथ आपके सामने खड़ा है। यह आपकी बारी है, चलिए गौशाला में, क्षमा करना अतिथिशाला में। नहीं जाऊंगा, मैं अपने गुरु को लेने आया हूँ। आलाख निरंजन, आदेश। आलाख निरंजन, आदेश। गोरख, मैं तुम्हें रुकने के लिए प्रार्थना करती हूँ, मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। कल कल हम किसी न किसी फैसले में जरूर पहुंचेंगे। रुक जाओ गोरख, गोरख रुक जाओ। अच्छा गोरख, सेनापति तुम जानती हो तुम्हारा क्या कर्तव्य है? राज की उन्नति और सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य और मेरी आज्ञा का पालन। आज्ञा कीजिए महारानी। सुनो, महाराज को मालूम न होने पाए तुम उनके शिष्य गोरखनाथ को कहीं ले जाकर उसकी हत्या कर दो। हत्या? हाँ, मैं निर्दोष की हत्या नहीं करूंगी। तो फिर तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, मुझे मंजूर है। इसे ले जाओ और बंदी खाने में डाल दो। मैं इस अत्याचार का बदला जरूर लूंगी महारानी। चुप रहो, इसे करे पहरे में रखा जाए, ले जाओ। गौरव कौन है? ओहो वेगनाथ, ये क्या जामन से बने हुए हो? लंका जीतने के लिए फूल बांधना है। मुझे पहचान लिया? ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जीतने के लिए फूल बांधना है ना, यानी कि यहाँ से भाग जाना है ना। गुरुदेव को छोड़कर? ये गुरुदेव ने ही तो मुझे भेजा है। शीघ्र कीजिए, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहाँ जाना है? वो पहाड़ है ना, उसके पीछे। चलिए चलिए, जल्दी चलिए चलिए। देवनाथ, गुरुदेव कहीं दिखाई नहीं देते, कहाँ है वो गुरुदेव? अरे गुरुदेव कहाँ नहीं है, गुरुदेव वहाँ है, ऊपर है, नीचे है, सर्वव्यापक है। चलिए जरा सी दूरी पर है, चलिए सब ठीक हो जाएगा। चलिए कहाँ है गुरुदेव? गुरुदेव अरे वो क्या बैठे गुरुदेव? मिलो गुरुदेव से। नरम धमाका सती नाम पर, परम धमाका पति नाम पर, पापड़ का हो चूरा चूरा, लू बदला मर्दों से। डरो नहीं सुंदरी, डरो नहीं। तुम्हारी मुख कमल पे पसीने की बूंदे ऐसी चमक रही है जैसे अंधेरी रात में उल्लू की आंखें चमकती हैं। मुझे छूने की कोशिश की तो हाथ तोड़कर गले में लटका दूंगी। मैं तुम्हारा जन्म जन्म का प्रेमी। निर्लज्ज, इतनी जल्दी भूल गए सुंदरी? याद है हम और तुम परसों तक खरबूजे के खेतों में मिलकर आंख मिचोली खेलते थे। खेलने आया, देख लिया सुंदरी का मजा।
मेरे प्राण लगा दे मुसल के दो चार आ रहा है और कर दे पति परमेश्वर को ठंडा। मुझे क्या मालूम था कि भाज में तुम छुपे हुए हो। देखो अगर सर्दी लग गई हो तो चूल्हा जलाकर सेक कर दो। अरे रानी तुम्हारी ये दो आंखें किस चूल्हे से कम है, है? वादा करके तुम यहां से चले गए थे ना। आपसे किसने कहा? वेगनाथ ने। वेगनाथ ने आपको धोखा दिया है। धोखा? कैसे? महारानी ने वेगनाथ को मेरी हत्या करने के लिए कहा था। और क्या कहा? स्वामी ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। स्वागत के बहाने आपने मुझे बंदी खाने में बंद नहीं करवाया था? किसी फैसले पर पहुंचने के लिए आपने मुझे पहाड़ पर से नहीं गिरवाया था? कहिए कहिए ये सब झूठ है, सरासर झूठ है। आदमी पेड़ से गिरकर नहीं बच सकता तो तुम पहाड़ से गिरकर कैसे बच गए? ईश्वर की दया से, वो हमेशा सच्चे के पीछे होता है। तुम्हारे पीछे तो हमने कभी नहीं देखा।
पापियों को ईश्वर नहीं दिखाई देता। बैगनाथ पापी है, इसे मारी है पिताजी। मीननाथ, मीननाथ ठीक कहता है स्वामी। मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों उसकी जान लेने पर उतर आओगे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने बैगनाथ को गोरख की जान लेने के लिए नहीं कहा था, रास्ते से हटाने के लिए कहा था। रास्ते से हटाने का मतलब होता है। चुप रहो, नहीं तो गर्दन उड़ा दूंगी। उसकी गर्दन उड़ाने से आपकी प्यास नहीं बुझेगी। झगड़े की जड़ मैं हूँ, मेरी गर्दन उड़ाइए माता। खबरदार, मुझे माता न कहो। गुरु पत्नी माता ही होती है। तुमने मेरे साथ पुत्र जैसा बर्ताव नहीं किया। बेटे अपने माँ बाप की खुशी के लिए क्या नहीं करते। एक बेटा श्रवण कुमार था जो अपने माँ बाप का जीवन पर कंधों पर उठाकर फिरता रहा। एक बेटा राम था जिसने अपने माँ बाप का वचन पालन करने के लिए 14 साल वनवास दिया। पर एक बेटा तुम हो जो अपनी माँ से उसका पति छीन आए हो। मैं तुम्हारा पति नहीं छीनूंगा माता। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं। मैं वचन देता हूँ। हाँ माँ। तुम वचन देते हो? भैया, भैया, अब मेरे पिताजी को नहीं ले जाओगे ना? नहीं, नहीं ले जाऊंगा मिन्ना। दरबारियों, खुशियां मनाओ, मेरे बेटे गोरखनाथ की जय जयकार पुकारो। बोलो गोरखनाथ की जय। आलोक निरंजन। आदेश। आलोक निरंजन। आदेश। गोरख, तुम अपना वचन तोड़ रहे हो, मेरे पति को क्यों ले जा रहे हो? सुनो गोरख, गोरख, हेलो गोरख। मैं आपके पति को नहीं, अपने गुरु को ले जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे गुरु मेरे पति हैं, मैं उनके अर्धांगी हूँ, इन पर मेरा अधिकार। आपसे भी पहले गुरु रूप में इनकी वाणी और शरीर पर पूरे संसार का अधिकार था और है। संसार का अधिकार योगी मच्छेंद्रनाथ पर था, गृहस्थ मच्छेंद्रनाथ पर हमारा अधिकार है। अगर इसका फैसला चाहती हैं, तो आप अपने पति को रोकिए, मैं अपने गुरु को ले जा रहा हूँ। आलाख निरंजन। आदेश। आलाख निरंजन। आदेश। क्या बेटे अपनी माँ को इसी तरह धोखा देते हैं? जो अपने आप को नहीं पहचानता वही धोखा खाता है माँ। स्वार्थी ना बनो, अपने आप को पहचानो। दया और त्याग की मूर्ति नारी ने हमेशा ही त्याग किया है। माता सीताजी ने धोबी के संदेह के लिए नहीं बल्कि पति का मान रखने के लिए गर्भवती होते हुए भी राजमहल त्याग कर जंगल में बास किया था। तुम भी वही सीता, वही सती हो। क्या तुम नहीं चाहती, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पति की घर घर पूजा हो? बोलो, चुप क्यों हो? बोलो, नहीं चाहती तुम? चाहती हूँ। तो फिर गुरुदेव को जाने दो। अगर तुम इन्हें ले जाना चाहते हो तो त्रिपुर महोत्सव के बाद ले जाओ। त्रिपुर महोत्सव? हाँ गोरख, उस दिन सारे राज में दीपक जलते हैं। बड़े धूमधाम से मेरे ही हाथों शिव पूजा की विधि होती है। अब उस महोत्सव के बाद ही चलेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। कब है वो महोत्सव? महारानी, बंदी सेनापति कारागार से भाग गई। क्या कहा? जल्दी से उसका पता लगा, कहाँ गई? ठहरो, बुझा दो ये सब दिए, आज उत्सव नहीं मनाया जाएगा। मैं कहती हूँ बुझा दो सब दिए, फेंक दो सब दिए। मेरी आज्ञा है, आज ही सब कुछ होगा। आज त्रिपुर महोत्सव के दिन ये अंधेरा कैसा? सामने दीपक रखे हुए भी नहीं जलाती। आज दीपक नहीं जलाए जाएंगे। क्यों? मुझे कुछ नहीं मालूम। देवी, तुम उदास क्यों बैठी हो?
खुशियां मनाओ, दीपक जलाओ, पूजा की तैयारी करो। आज दीपक नहीं जलाया जाएगा। क्यों? महारानी की ऐसी आज्ञा है। महारानी की आज्ञा? मैं समझ गया, महारानी ने ये आज्ञा क्यों दी। आज यहाँ क्यों अंधकार है, सूरज चांद बनाने वाले शक्ति जीते भक्ति हारे, मेरी नहीं ये तेरी हार है, तेरा मेरा अमर प्यार है, तेरा मेरा अमर प्यार है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, तेरा मेरा अमर प्यार है, तेरा मेरा अमर प्यार है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, मान रहे तेरा आन रहे मेरी, बात रहे मेरी शान रहे तेरी। उजड़े चमन में फूल खिलाओ, फूल खिलाओ, पुकार है। तेरा मेरा अमर प्यार है, तेरा मेरा अमर प्यार है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, उत्सव की अब तैयारी हो, राग रंग में नर नारी हो, उत्सव की अब तैयारी हो, राग रंग में नर नारी हो। तोरण द्वार द्वार बंधवाओ, तोरण द्वार द्वार बंधवाओ, कण का तू कलाकार है। तेरा मेरा अमर प्यार है, तेरा मेरा अमर प्यार है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अभिमानी इंसान हुआ है ये तेरा अपमान हुआ है। अपने नाम का चौक पुराओ, चौक पुराओ, उठा भक्ति कतार है। तेरा मेरा अमर प्यार है, तेरा मेरा अमर प्यार है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, गगन से तेरी जोत चले अब, नगर का एक एक दीप जले अब, गगन से तेरी जोत चले अब, नगर का एक एक दीप जले अब। रूप दिखाओ, रूप दिखाओ, रूप दिखाओ।
चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार को नमस्कार है, तेरा मेरा अमर प्यार है, तेरा मेरा अमर प्यार है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। किसकी आज्ञा से दीपक चलाए? जवाब दो, जवाब क्यों नहीं देती? फेंक दो इसको, खा दिया मेरे हाथ। ये सब क्या हो रहा है? अनर्थ हो रहा है स्वामी। क्या तुम ये नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं? ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो खुद नहीं जानती कि दिया अपने आप कैसे जल गए। मूर्ख न बनाओ, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि अब मुझे तुमसे प्रेम नहीं? स्वामी, तुमने मुझे सन्यासी से ग्रस्त बना, विलासी बनाया और अब मुझे ठुकरा देना चाहती हो? लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, हरगिज नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं भी यही चाहती हूँ स्वामी, एक बार गोरख से कह दीजिए कि वो यहाँ से चला जाए, हमेशा के लिए चला जाए। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को गोरख के सामने निर्बल पाता हूँ। निर्बल? तो क्या गुरु से शिष्य में ज्यादा शक्ति है? हाँ तिलोत्तम, गोरख के शरीर में मेरी ही आत्मा समाई है। जब वो मेरे सामने अलख निरंजन का मंत्र जगाता है, तब मैं न दिखाई देने वाले निरंजन को साकार देखने लगता हूँ। उस वक्त मुझे अपने पराये सभी भूल जाते हैं। तो फिर आप किस मोह में पड़े हैं? जाइए, जाइए अपने गोरख के साथ। मैं जीऊंगी या मिन्नत के साथ जहर खाकर मर जाऊंगी। नहीं नहीं महारानी, मैं आज ही गोरख से कह दूंगा तू यहाँ से चला जा, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। मैं आपको लेकर ही जाऊंगा। कैसे ले जाओगे? मेरी इच्छा के विरुद्ध ले जाओगे? नहीं। तो फिर चले जाओ यहाँ से, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। विद्रोह सेनापति हमारे शत्रु से मिल गए। गोरख, इस मुसीबत के समय तुम हंस रहे हो? इस संसार में मुसीबत के सिवा और है ही क्या गुरुदेव? महारानी, महारानी, विद्रोही सेनापति राजकुमार मीननाथ को उठा ले गई। स्वामी, स्वामी मेरे मीननाथ को छुड़ाइए। लेकिन चलो तुम्हें, स्वार्थ और मोह में पड़कर मनुष्य कायर बन जाता है। गोरख, जिस आदमी ने कभी तलवार नहीं छुई, आप उससे अपने बेटे की रक्षा की भीख मांगती हैं? माता, मैं आपके बेटे को छुड़ा सकता हूँ। जल्दी जाओ बेटा, मेरे लाल को किसी भी तरह छुड़ा करना, जाओ गोरख, जल्दी जाओ बेटा। लेकिन एक शर्त है। मैं ये सोचा तुम्हारी हजारों शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे मीननाथ को बचा। तो फैसला कीजिए, आप पति चाहती हैं या पुत्र? गोरख, जल्दी बताइए। पति चाहूँ या पुत्र, किसे चाहूँ किसे न चाहूँ? गोरख, तुम मिन्नाथ को ले आओ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। स्वामी, ये आपने क्या कह दिया? अलख निरंजन, मैं
चलिए गुरुदेव। स्वामी, पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? पिताजी मैं वचन हार चुका हूँ बेटा। मुझे जाना ही होगा बेटा। भैया ले जाओ, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। चलिए गुरुदेव। पिताजी को ले जाओ तो तुम मुझे छुड़ाया। बोलो बोलो भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? पिताजी न जाइए, पिताजी न जाइए। बालक निरंजन आदि गोरख, गोरख मीना तुम्हें नहीं छोड़ सकता, उसे भी साथ ले चलो वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। मीना आ जाओ बेटा। पिताजी आ जाओ बेटा, आ जाओ। जाओ मिन्ना, जीवित हो जाओ। मैं आज्ञा देता हूं मिन्ना जीवित हो जाए। मिन्ना जीवित हो जाए, मिन्ना जीवित हो जाए। मैं आज्ञा देता हूं मिन्ना जीवित हो जाए। गुरुदेव देख लिया आप क्या थे और क्या हो गए हैं। भोग और विलास में आपकी शक्तियां नष्ट हो गई हैं। अब इसे जिंदा करने की शक्ति आप में नहीं, तुम्हें इसे जिंदा करने की शक्ति है। हाँ मुझ में उसे जिंदा करने की शक्ति है। तो फिर गोरख तुम ही इसे जीवित कर लो। हाँ गोरख तुम ही इसे जीवित कर दो, जीवित कर दो मेरे लाल को। गोरा खा गया देता, मीननाथ जीवित हो जाओ, जीवित हो जाओ। Thank you.
पाखंड में किसी शक्ति के भरोसे इतना उछलता था। तेरे गुरु तो विलासी बन गए हैं, इसलिए उनकी शक्ति नष्ट हो गई है। लेकिन तू तो योगी है, तेरी शक्ति कहाँ गई? बता कहाँ गई तेरी शक्ति? जवाब दे, जवाब क्यों नहीं देता? भगवान, भगवान, मुझसे कौन सा अपराध हुआ? आखिर तुमने मुझसे मेरी सिद्धियां पूछी। अब गोरख तेरे संसार में नहीं जिएगा, नहीं जिएगा प्रभु, नहीं जिएगा। गोरख, तुझे अहंकार हो गया था क्षण भर के लिए, तूने गुरु की शक्ति को अपने से तुच्छ समझा, ये उसी का फल है। जाओ गुरु से क्षमा मांगो, उनके क्षमा करते ही तुम्हारी सब शक्तियां वापस आ जाएंगी। जाओ। गुरुदेव, गुरुदेव मुझे क्षमा करो, क्षमा करो गुरुदेव, मैं अपराधी, मैं अपराधी हूँ। गोरख, गोरख, गुरु ही परमेश्वर होता है। गुरु का नाम लेकर मीन नाथ को जीवित करने का प्रयत्न कर। हाँ हाँ, प्रयत्न कर। मैं गुरु मेछेंद्र नाथ की कृपा की साक्षी देकर आज्ञा देता हूँ, मीन नाथ जीवित हो जाओ। देवी तिलोत्तमा, तुमने पुरुषों से घृणा न की होती और मच्छिंद्रनाथ ने स्त्री शक्ति को तुच्छ न समझा होता तो ये समय नहीं आता। आप सच कह रहे हैं हनुमान जी, स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। देवी तिलोत्तमा, अब मच्छिंद्रनाथ को गोरख के साथ खुशी से जाने दो। एक पतिव्रता स्त्री कैसे अपने पति को खुशी से त्याग सकती है? देवी, महापुरुषों को अपना समझना भी भूल है और अपना ना समझना भी भूल है। मच्छिंद्रनाथ महापुरुष है। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं एक महापुरुष की पत्नी हूँ। आप भी महानता दिखलाइए माता, आत्मा से प्रेम कीजिए, शरीर सुख का त्याग कीजिए, ये जीवन क्षण भंगोर है। ये देखिए, आलख निरंजन। मैं उनका ही रूप नहीं देख सकती। माता, संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल आत्मा ही अमर है जो एक दिन परम ब्रह्म में विलीन हो जाती है। अब मेरी आंखें खुल गई गोरख, जगत कल्याण के रास्ते में मैं अब बाधा नहीं बनूंगी। तुम ले जाओ। चाहिए आलाख निरंजन। आदे आलाख निरंजन। आदे जय श्री राम। कामरूप देश में कौन था? वो सब माया थी,
जो मैंने स्त्री का वास्तविक रूप तुम्हें दिखाने के लिए रची।